आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। सबल टोला में बनी विशेष योजनाओं में भी संवेदकों का घोटाला बदस्तूर जारी है। सरकारी योजनाओं से आम लोग कितने लाभान्वित हैं ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन सरकारी योजनाओं से ठेकेदार और विभाग को कितना मुनाफा होगा ये बड़ी बात होती है। यही कारण है कि सरकारी योजनाओं में ठेकेदार मनमानी तरीके से कार्य करते हैं और घटिया निर्माण करके किसी भी सार्वजनिक योजना को शोभा की वस्तु बना देते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि टंगराइन के सबर टोला में 20 सबर परिवार के लिए दो दो जल मीनार बना दिए गए हैं। दोनों जल मीनार के बीच की दूरी महज 100 मीटर है, लेकिन बावजूद ग्रामीणों का हलक आज भी सूखा है। बहरहाल सरकार के इस योजना से भले ग्रामीणों को कंठ सूखा रह गया, लेकिन जल मीनार के निर्माण और लूट खसोट से ठेकेदार और सरकारी विभाग की तोंद जरूर भर गई होगी। जो भी अधिकारी जांच को लेकर अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, तो ठेकेदार उन अधिकारियों को भी मैनेज करने के प्रयास में जुट जाता है। आपको बता दें कि पोटका प्रखंड अंतर्गत रंगराइन के सबर टोला में लगभग 20 परिवार निवास करते हैं, मगर 100 मीटर की दूरी में सबरों के लिए विशेष योजना के तहत पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा दो दो की ऐसी जगह में जल मीनार बने जहां लोगों का विरोध ना हो, इसीलिए सबरों को विकास योजनाओं से कोई मतलब नहीं। वह इस पर ध्यान देते नहीं, इसीलिए संवेदक एक ही जगह दो दो जल मीनार बनाकर पैसे का बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि 20 परिवार के लिए दो दो जल मीनार, वही जहां 100 परिवार है वहां एक भी जल मीनार नहीं दिया गया। आखिर क्यों घटिया स्तर का निर्माण किए जाने से जल मीनार से दिन रात पानी रिस रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना की जांच होनी चाहिए और इस पर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि एक ही जगह एक 100 मीटर की दूरी में 20 परिवारों के लिए दो दो जल मीनार का निर्माण करना कहां तक जायज है, इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। जमशेदपुर से शिवशंकर साकिर। जल मीनार को देख करके देखिए, हमको तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सरकार की, हमको लगता है, पीएचडी विभाग की सबसे बड़ी भूल है। और ये जहाँ जरूरत है एक ही बनाया था, यहाँ पर 20-25 परिवार ही तो है, और यहाँ पर जो बनाया है उसमें भी अभी पानी लीकेज हो रहा है, और जो पुटिंग वुटिंग किया हुआ है, पेंटिंग पेंटिंग जो किया है वो भी बहुत घटिया स्तर का है, पानी चू रहा है। और ऐसे बनाया है तो इसलिए इसका भी अविलंब जांच होना चाहिए, जांच करके इसका इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, और जो भी हो वो इसको और एक बार मरम्मती किया जाना चाहिए।